हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? तो यहाँ पर अनिकेत सर है हमारे साथ, माय नेम इज सौरभ डे, और हम लोग यहाँ पर आपके बारे में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। बिल्कुल। तो बच्चों, यहाँ पर आपको पता ही होगा कि बैंक की जहाँ तक हम बात करें तो जो बैंक काम कह सकते हैं सबसे बड़ा जो है सेक्टर का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गॉडफादर कह सकते हैं हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उसकी पीओ की वैकेंसी देखो पहले ही आ गई थी 1 अप्रैल को, राइट? और सर उसी के आसपास रिजल्ट भी आया था वैसे पीओ एंड क्लर्क का, आईबीपीएस का। तो देखा जाए गाइस, तो उधर पीओ का आया था नोटिफिकेशन, बच्चे ऐसे ही खुश हो गए थे कि अरे वाह, बिकॉज एक एप्रीहेंशन था पता नहीं एसबीआई पीओ आएगा कि नहीं आएगा, राइट? अब ऐसा हो गया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल आ गया। अब सर होता ना कि कभी कभी जब ऊपर वाला देता तो एकदम छप्पड़ फाड़ के देता है, तो पीओ भी दिया और अब क्लर्क का वैकेंसी भी आ गया कुछ दिनों पहले। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि देखा जाएगा इस बैंक सेक्टर में जितने भी वैकेंसीज हैं उससे 10,000 से ज्यादा वैकेंसीज तो अकेले आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही प्रोवाइड कर रहा है। बिल्कुल। तो मतलब सर लोग ये कह रहे थे कि शायद बैंक की नौकरियां ही नहीं आएंगी 2019 में, और मतलब पता नहीं एक से एक इकोनॉमिस्ट और मानुभाव को यहाँ इंटरव्यू दे रहा है, वहां पर निकाल रहा है। लेकिन देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सबको सरप्राइज करते हुए पीओ भी निकाल दिया, क्लर्क भी निकाल दिया। तो सर What do you say about this? बच्चों, आप जैसा जानते हैं कि जो है SBI क्लर्कल का भी वैकेंसी जो है आ चुका है, SBI PO का भी वैकेंसी आ चुका है। मतलब जैसे सर ने बताया कि SBI ने अकेले ने 10,000 वैकेंसी दे दी है ना, आपके पास IDBI की भी जो है वैकेंसी अभी निकली हुई है। तो आपके पास क्या है बच्चों, मतलब एक अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज बन चुकी है। तो आपके पास ये नहीं सोचना है कि मुझे क्लर्कल का एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, IDBI का एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है, या फिर हमें किस चीज़ का एग्ज़ाम देना है। अभी तो आपके पास कोई सा भी जॉब नहीं, आपके पास हर एक एग्ज़ाम, हर एक छोटा सा एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको तैयारी हर छोटे से एग्ज़ाम की करनी है, एग्ज़ाम सारी देनी है आपको, उसके बाद आपको चूज़ करना है कि हमें किस एग्ज़ाम में जाना है, किस प्रोफाइल में जाना है, किस प्रोफाइल में नहीं जाना है, है ना? तो आपको इसमें क्या है बच्चों, अब इसके लिए आपको तैयारी करने की जरूरत है, आपको जो है एक मेहनत करने की जरूरत है, एक सही गाइडलाइंस की जरूरत है, एक सही फोकस की सर जरूरत है। बिल्कुल। कि एक प्रिपरेशन किट हमें जहां से मिले, जहां से हम सही जो है तैयारी कर पाए, सही से हमें वहां पे मटेरियल मिल पाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अच्छा, अब यहाँ पर सर एक और बताया आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि ये मत देखो कि कौन सा इसका एग्जाम करेंगे, इसका एग्जाम नहीं करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि अरे सर मैं तो बीटेक हूं, मैं क्लर्क का फॉर्म क्यों भरूंगा, तो ये सब थिंकिंग सही नहीं है, राइट? अच्छा, तो अब नाउ हैविंग सेड दैट, देखो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि बैंक के स्टूडेंट है और DMRC में सिलेक्ट हो गए, SSC के स्टूडेंट है और बैंक में सिलेक्ट हो गए, राइट? तो ऐसा कभी भी नहीं सोचना है, कभी भेदभाव नहीं करना है। लेकिन सर जहां तक इस बैंक की हम बात करें तो एक बच्चों को ये एक प्रॉब्लम रहता है कि लेवल जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, चाहे हम IBPS की बात करें, चाहे हम SBI की बात करें। तो एज टीम अड्डा 247 व्हाट डू वी प्रोवाइड, जिससे कि मतलब स्टूडेंट्स वीडियोस से देखा जाए तो वो लेक्चर देखते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि YouTube में जो लाइव सेशन होता है वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। प्लस एक और चीज़ ये है कि क्योंकि सब एक लिमिटेड टाइम पीरियड में होता है, तो जाहिर सी बात है कि हम हर लेवल के बच्चे को केटर नहीं कर पाते हैं। देन सिर्फ वीडियो से काम भी नहीं चलेगा, अगर देखा जाए तो बच्चे को अगर रिविजन चाहिए तो वो चाहिए ईबुक से, राइट? और लेटेस्ट ईबुक से चाहिए, ताकि जब चाहे वो तब वहां पर जो है उसे ओपन करके फटाक से पढ़ ले। देन अब सिर्फ वीडियोस और ईबुक से भी काम नहीं चलता जब तक आप एक्चुअल मॉक नहीं लगाओगे, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन पैटर्न पे ही होगा। हाँ, तो लगता जैसे कि एग्जाम होता कैसा है, तो जब तक आप उस मॉक एग्जाम को नहीं लगाओगे तो कितने आप पानी में हो ये आपको नहीं पता चल पाएगा, राइट? सो सर क्या कोई ऐसा मतलब कॉम्बिनेशन है जिसमें कि वीडियोस भी हो, ईबुक्स भी हो और मॉक्स भी हो उस स्टूडेंट के लिए जो SBI, IBPS, IDBI जितने भी बैंक एग्जाम्स है सब देना चाहता है? सो व्हाट डू वी हैव फॉर दैट? तो सर जैसा कि सर ने बताया कि जो है एग्जाम पैटर्न जो है दिन पर दिन चेंज होते जा रहे हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस ईयर में भी देखा, 2018 में भी जो है IPS ने SBI ने काफ़ी कुछ चेंजेस किए। तो अभी फिर से जैसे SBI की वैकेंसी आ रखी है ऑलरेडी, आगे भी आने वाले टाइम में RRB की वैकेंसी आने वाली है, फिर IPS की वैकेंसी आने वाली है, जिसमें कि काफ़ी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग पे अड्डा 247 जो है हमेशा अपने लेवल में अपडेट रहता है। बिल्कुल सर, चाहे ईबुक की बात करें, चाहे वीडियोस की बात करें, चाहे टेस्ट सीरीज की बात करें, और ये तीनों सर इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपको सर ने बताया, क्योंकि आपको रिविजन के लिए ईबुक इंपॉर्टेंट है, वीडियो सेशन लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो है मॉक टेस्ट,
जो कि आपको जिस जिस जिसमें आपको एग्जाम देना है, जिस पैटर्न पे एग्जाम देना है, वो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर इसी इसको सोच के सर हमने एक ऐसा चीज बच्चों के लिए हम एक ऐसा चीज लेके आ रहे हैं जहाँ पे कंप्लीट ये मॉक बुक, ई बुक और सारी सारी और वीडियोज भी कंप्लीट हम सारी चीज बच्चों को एक साथ लेके हम आ रहे हैं, जिसका की नाम है बैंक सुप्रीम। ओके, बैंक सुप्रीम जी। तो सर वैसे हमको अच्छे से याद है, हमने यहाँ पर पहली बार वैसे बैंक सुप्रीम निकाला था 2017 के एंड की तरफ, 25 दिसंबर था, क्रिसमस डे था जी। लेकिन अब देखा जाए तो तब से लेकर अब तक बहुत सारे बदलाव हुए हैं, बहुत सारे अपडेट हुए हैं और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो सभी बदलाव, अपडेट्स और चेंजेस के साथ इस बार बैंक सुप्रीम में आपके पास मिलेंगे आपको 4000 से ज्यादा वीडियो, सर मतलब 4000 से प्लस से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और सर 800 प्लस इनको टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो मतलब ये 800 मॉक टेस्ट लगा पाएंगे सर, क्योंकि इनके आने वाले इयर्स में जितने सारे एग्जाम होने हैं ये हम सारे टेस्ट उनको प्रोवाइड करेंगे और बेस्ड ऑन अपडेटेड पैटर्न। ओके ओके बच्चे, ये चीज आप वो ये चीज जो है पॉइंट आउट कर लेना, बेस्ड ऑन अपडेटेड पैटर्न आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। और सर 500 प्लस ई बुक जो है हम अलग से प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो मतलब वीडियो भी देंगे, मॉक भी देंगे और ई बुक देंगे। तो मतलब बच्चों आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, जहां पे आपको मॉक बुक भी मिलेगा, जहां पे आपको जो है वीडियोस भी मिलने वाले हैं और ई बुक भी मिलने वाले हैं। सर जनरली ऐसा होता है कि मान लो कोई मॉक परचेज किया तो किसी का वैलिडिटी 6 महीने होता है, किसी का 1 साल होता है, कि कोई ई बुक ले लिया तो उसका होता है। तो सर यहाँ पर हम वीडियो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मॉक भी प्रोवाइड कर रहे हैं और ई बुक भी दे रहे हैं। तो सर इसका प्राइस कितना होना चाहिए, कितना है और इसका वैलिडिटी कितना है, जरा बताइए। सर प्राइस तो जो है वो हम बताएंगे बच्चों को बाद में, इसकी वैलिडिटी सर हमने 1 साल रखा है, ये आपको 1 साल की वैलिडिटी है। और जो है बच्चों एक छोटा सा जो मतलब काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है कि जो है हम बैंक सुप्रीम कब लेके आ रहे हैं। राइट, तो बैंक सुप्रीम जो है हम 15 और 16 को जो है ओके लेके आ रहे हैं आपके सामने, जो कि लास्ट डेट होगा 16th ऑफ अप्रैल को। ओके, तो मतलब 15 और 16 अप्रैल 16 को जो है आपका बैंक सुप्रीम जो है तो चलेगा। बढ़िया बात है कि भाई देखो मिड ऑफ मिड अप्रैल है और आपके सामने सर अभी जस्ट ही जो है SBI PO आया है और जस्ट ही आपके सामने SBI क्रेडिकल है। तो बेसिकली गाइस दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और अभी देखो नोटिफिकेशन आया ही है, जितनी जल्दी आप तैयारी शुरू करोगे उतना ज्यादा आप तैयारी कर पाओगे और उतने अच्छे से आप प्रिपेयर भी कर पाओगे। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड रियली गो फॉर। सर एनीथिंग यू टू ऐड ओवर हियर बच्चों, आप बस मैं यही कहना चाहूंगा आपके पास कि आपके पास अपना टाइम है, आप मेहनत करो और आप भी अपना अपने आपको दूसरों को बताओ कि मेरा टाइम भी आ गया है और मेहनत करके आप जो है अपनी मैदान को फतेह करो। तो मतलब अपना SBI आ गया, अब अपना टाइम आएगा। राइट, बिल्कुल। सो ऑन दैट नोट दिस इज अनिकेत एंड आई सौरभ डे साइनिंग ऑफ। पीस आउट गाइस, थैंक यू।